स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कंपास विद लेंस। बच्चों, सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों से बहुत ज़्यादा सॉरी कहना चाहती हूँ जो मेरी वीडियोस का वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। बच्चों, मैं फिर से आपको सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी। बच्चों, मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में थी और मैं इस वजह से रेगुलर वीडियो नहीं डाल पाई। लेकिन और मैं थैंक्स भी कहना चाहती हूँ क्योंकि आप सब लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो और मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए बहुत बहुत जल्दी जल्दी का कोशिश करती हूँ जिससे मैं आप लोगों के लिए वीडियोस डाल पाऊँ और आप सब से मिल पाऊँ। चलिए, मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर वीडियोज़ को अपलोड कर पाऊँ और हम लोग आपस में मिल पाएँ। और बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं वही लेसन 9, द बॉडी एंड इट्स मूवमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने बहुत डिटेल में समझ लिया था, अब पार्ट 2 के बारे में हम सीखेंगे बच्चों। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज जॉइंट्स एंड मूवमेंट। जॉइंट्स जो हमारी बॉडी के कई सारी बोन्स जहाँ पे जॉइन हो रही हैं उन्हें जॉइंट्स बोलते हैं और उन्हीं की वजह से जो मूवमेंट हो रही है उसके बारे में हम समझेंगे। The joints in the body are the place where toe bones are joined together. Joints body का वो part होता है, वहाँ पर वो जगह होती है जहाँ पे दो bones join होती हैं। The joints are strong enough to withstand jerks. इसका मतलब है जो झटके आ रहे हैं, jerks को बोलते हैं झटके, झटके जो आ रहे हैं उन्हें झेलने के लिए हमारे जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे आप कहीं पर भी जा रहे हैं, बहुत ऊंचा सा स्पीड ब्रेकर आ गया है या बहुत बड़ा गड्ढा आ गया और अचानक से स्पीड से हमारी व्हीकल निकल गई तो एकदम ज़ोर से झटका लगता है। कई बार कुछ छोटे छोटे से एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं, उसमें भी काफ़ी बचाव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम साइकिल चला रहे हैं और गिर गए तो एकदम से ही बोन ब्रेक हो जाती है, वो भी नहीं है। तो वो झटके होते हैं जो अचानक से भी लगते हैं लेकिन उन्हें झेलने के लिए हमारे जॉइंट्स बहुत स्ट्रांग बने रहते हैं। द एंड्स ऑफ द बोन्स आर कवर्ड विथ सॉफ्ट कार्टिलेज। बोन्स के जो एंड होता है वो सॉफ्ट कवर यानी कार्टिलेज, जिसको कार्टिलेज बोलते हैं, उससे कवर रहता है। इसका मतलब फिर से मैं बता देती हूँ बच्चों, दो बोन्स आ रही हैं, दो बोन्स के बीच में कार्टिलेज होता है। जैसे मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ कि मेरे पास ये दो पेन हैं, ये एक तरह से हम बोन का मान के चलते हैं कि ये दो बोन्स हैं। अब इन बोन के बीच में मैं कोई कॉटन लगा देती हूँ, कोई रुई लगा देती हूँ या कोई फोम लगा देती हूँ और इसकी वजह से क्या होगा, ये आपस में रगड़ नहीं खाएंगे, इसमें फिक्स रहेंगे और रगड़ नहीं खाएंगे, आपस में इस तरीके से नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उनके बीच में फॉर्म आ रही है। तो ये जो कार्टिलेज होता है वो यही चीज़ का काम करता है जिसकी वजह से वो बीच में से रगड़ नहीं लगता। अब इसी के बारे में, इट एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर एंड रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन वही जो मैंने अभी आपको बताया, रगड़ लगना, ये शॉक एब्जॉर्बर होता है, झटकों से बचाता है। दूसरा, और रिड्यूस कर देता है फ्रिक्शंस को, यानी रगड़ नहीं लगती बिटवीन द बोन्स, बोन्स के बीच में। कार्टिलेज इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन्स। जैसे अब कार्टिलेज कुछ ऐसे भी जगह पर होती है बॉडी के जो हमारी बोन्स की तरह से हार्ड नहीं होते, जैसे कि एग्जांपल दे रखा है अपर पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर के अपर पार्ट में भी कार्टिलेज होता है, नोज में भी होता है बच्चों, ईयर और नोज में। और हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन जो होता है वो ईयर में ही होता है। द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर। बोन्स जो होती हैं वो जॉइंट्स से, अगेन आई एम रिपीटिंग, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट्स बाय स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड्स लाइक, जिसे लिगामेंट्स बोलते हैं। बोन्स, दोनों बोन्स जो जुड़ी हुई होती हैं वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेची यानी फ्लेक्सिबल होती हैं। जैसे रबर बैंड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, खींच सकती हैं, उसी तरीके से होती है, जिन्हें की लिगामेंट्स बोलते हैं।
ठीक है, देर आर मैनी जॉइंट्स इन द बॉडी, हमारी बॉडी में तो बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं। एक छोटी सी आप डॉल देखेंगे तो डॉल बार्बी डॉल होती है, उसके तो आप हाथ पैर भी सब निकाल के अलग रख सकते हैं, है ना। तो और पूरी मूवमेंट भी होती है डॉल्स में, तो वो एक तरीके से वही चीज़ है। अब तो आजकल तो डॉल्स भी इस तरीके से आने लगे कि मूवमेंट पूरा बॉडी की तरह से ही होता है। तो हमारी बॉडी में कई तरीके के जॉइंट्स होते हैं, द जॉइंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स, वो तीन तरीके के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट, वो उन पर डिपेंड करते हैं किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। एक तो होता है इमूवेबल, एक होता है स्लाइटली मूवेबल और एक होता है फ्रीली मूवेबल। इमूवेबल जो मूव नहीं कर सकते, स्लाइटली मूवेबल जिसमें हल्का सा ही मूवमेंट हो सकता है, और फ्रीली मूवेबल जो पूरी तरीके से फ्री है हर जगह पर मूव होने के लिए। तो ये तीन तरीके की हैं बच्चों। फिर इसी में आ रहा है नेक्स्ट द बोन्स इन द स्कल। अब स्कल में जो बोन्स होती है एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन, लेकिन जो नीचे का बोन जॉ बोन होता है, जॉ बोन जो जबड़ा होता है बच्चों, जैसे हिंदी में जबड़ा बोलते हैं, जिसके थ्रू हम खाना खाते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं, स्माइल करते हैं, वो सब, उसमें हमारा जो ऊपर का जॉ होता है, एक ऊपर का जॉ होता है, एक नीचे का जॉ होता है। पिक्चर के थ्रू आपको सब समझ आ रहा होगा। तो नीचे का जॉ ही होता है जो केवल मूवमेंट कर सकता है, बाकी मूवमेंट नहीं कर सकता, और उसी की वजह से हम फूड खा सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो इसी को मैं फिर रिपीट करती हूँ, द बोन्स इन द स्कल एक्सेप्ट द लोअर जॉ बोन डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, केवल एक लोअर जॉ बोन को छोड़कर बाकी किसी भी स्कल के बोन्स में मूवमेंट नहीं होता। द जॉइंट्स बिटवीन द रिब्स, रिब्स और ब्रेस्ट बोन के बीच का जो जॉइंट होता है वो बहुत हल्का सा मूवमेंट लिए हुए होता है। मोस्ट ऑफ द जॉइंट्स इन द ह्यूमन बॉडी, ज़्यादातर जो जॉइंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में वो फ्री होते हैं, आर फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। दीज फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ फोर मेन टाइप्स। ये जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हैं जो पूरी तरीके से मूव कर सकते हैं वो फोर टाइप के हैं, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मूवमेंट्स दे अलाउ, लेकिन ये भी डिपेंड करते हैं कि किस तरीके का मूवमेंट हो रहा है। तो अब इसी में फर्स्ट आ रहा है हिंज जॉइंट। इसमें क्या होता है, अब हिंज जॉइंट में, जॉइंट में द एल्बो नी एंड फिंगर जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन ओनली, दैट इज अप एंड डाउन और बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। बच्चों जो एल्बो होती है यानी कोहनी, नी यानी घुटना, और फिंगर्स जो भी हमारी फिंगर्स हैं पैरों की हैं या हाथों की हैं, उनके जो जॉइंट्स होते हैं वो केवल एक ही साइड में अलाउ करते हैं मूवमेंट के लिए, चाहे वो ऊपर नीचे का हो चाहे आगे पीछे का हो। आप कभी देखिए, आप अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो आप अभी करके देखिएगा, आपकी जो फिंगर्स भी हैं वो केवल इस तरीके से, यानी जॉइंट्स जॉइंट्स के साइड से मूव करती हैं, है ना। तो जॉइंट्स के साइड से मूव करती हैं। अब जॉइंट के आगे वाला पार्ट तो हमारा मूव हो रहा है, जैसे एल्बो है, एल्बो में आप आगे वाला हाथ को मूव कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की जो आर्म्स है उसे मूव नहीं कर सकते, वो पूरा ही हाथ मूव होगा। ऐसे ही नी के नीचे वाला जो पार्ट है, घुटने के नीचे वाला पार्ट, आप आराम से उसे हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, लेकिन आप थाइस को केवल अकेले थाइस को मूव नहीं कर सकते, आपको पूरा लेग ही मूव करना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, इसके लिए भी बहुत इजी है, लाइक द हिंज ऑफ अ डोर। ये भी आपको बच्चों पिक्चर में दिख रहा होगा, जो डोर का जो हिंज होता है, जैसे डोर आगे पीछे केवल उसी की वजह से मूव कर सकता है, ऐसे ही हमारे ये वाले जॉइंट्स भी इन्हीं की वजह से मूव कर सकते हैं। सच जॉइंट्स आर देयर फॉर कॉल्ड हिंज जॉइंट। इसी वजह से इन जॉइंट्स को हिंज जॉइंट बोला जाता है। अब नेक्स्ट आ रहा है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल सॉकेट जॉइंट का मतलब होता है बच्चों जो राउंड में होता है, गोलाई में होता है, द शोल्डर हो गया, और हिप जॉइंट्स, ये जो दोनों तरीके के होते हैं ये राउंड में होते हैं, अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये पूरी डायरेक्शन में आप अपनी शोल्डर की वजह से आप अपने पूरे हाथ को मूव कर सकते हैं,
आप अपने हिप जॉइंट की वजह से आप अपने पूरे लेग को साइकिलिंग अगर जैसे एक्सरसाइज करते हैं उसमें हम पूरा राउंड पैर घुमा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर बच्चे योगा करते हैं तो उसमें उन्हें पता होगा, वो इसी की वजह से होता है। इन सच जॉइंट्स द एंड ऑफ वन ऑफ द बोन्स इज राउंड। एक एंड जो होता है इन बोन्स का वो बॉल की तरह से राउंड होता है। इट फिट्स अलाउ अ हॉलो पार्ट। ये एक हॉलो यानी खोखले पार्ट में फिट हो जाता है इन द अदर बोन। जैसे मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ, एक ये चीज़ हो गई बोन और एक इस तरीके से हो गया, तो ये वाला पार्ट इसके अंदर फिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी की वजह से है वो यही बोल रहे हैं, जो हॉलो पार्ट है, हॉलो पार्ट खोखला जो ये चीज़ है, और जो फिट हो रही है वो दूसरी बोन वो इसमें है। द बोन्स बोन दैट एंड्स इन अ बॉल। वो जो बोन एक बॉल में यानी यहाँ पर इसमें फिट हो रही है, फॉर एग्जाम्पल द फेमर और द हेमरस कैन मूव इन एनी डायरेक्शन। ये वाली जो होती है, ये भी पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की, ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये इसी की वजह से हम पूरी डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इसको मूव कर सकते हैं। सच ए जॉइंट इज कॉल्ड अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसीलिए इन जॉइंट्स को बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोला जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कहाँ पर होती है? ये नेक जॉइंट में होती है। इसी की वजह से बच्चों हमारी जो नेक होती है वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकती है। द नेक जॉइंट ऑल्सो अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस। इट अलाउज यू टू मूव योर हेड। आप इसी की जॉइंट की वजह से अपने हेड को अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, लेफ्ट एंड राइट, दाएं बाएं, और अपनी गर्दन को पूरा, सिर को पूरा रोटेट भी कर सकती हैं। अगर आप लोग योगा नहीं करते हैं तो अब आप योगा करना शुरू कर दीजिए, तब आपको अपनी जॉइंट्स के बारे में भी पता चल जाएगा, कौन सा जॉइंट कहाँ पर किस एंगल में कितनी वजह उसमें घूम सकता है या मूव कर सकता है ना। तो इसके लिए तो करना पड़ेगा। इन सच जॉइंट्स वन ऑफ द बोन्स एंड्स इन अ राउंडेड और कॉर्निकल सर्फेस दैट फिट्स इन टू अ डेंट इन द अदर बोन। ये जैसे ऊपर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में था बच्चों, ये भी इसी तरीके से है। ये इस तरीके का होता है और ये फिट रहता है इसमें, जैसे यहाँ पर इसके अंदर फिट हो गया और इसकी वजह से ये पूरा गोल घूमने लगा, तो ये इसी में है डेंट। सच अ जॉइंट इज कॉल्ड अ पिवट जॉइंट। इसी वजह से इस जॉइंट को पिवट जॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? द रिस्ट और एंकल जॉइंट्स। ये हमारी कलाई और एंकल, जो पैर का पंजा होता है उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है। आपको पिक्चर में सब दिखाई दे रहा होगा, और साथ में जो भी मैं पढ़ा रही हूँ जो मूवमेंट है, अगर कोशिश कर सकते हैं तो उन्हें साथ में करके भी देखिए, आपको क्लियर भी होता चला जाएगा बच्चों। द रिस्ट और एंकल जॉइंट्स हैव फ्लैटेंड एंड ऑफ बोन्स दैट कैन मूव या फिर ग्लाइड भी बोल सकते हैं अगेंस्ट ईच अदर। इसका मतलब आ रहा है बच्चों, जो हमारा बोन है वो जो जॉइंट आ रही है वो फ्लैटेंड एंड से आ रही है। हमारे हाथ वो भी फ्लैट इस तरीके से रहता है और हमारे पैर वो भी आगे से फ्लैट रहते हैं, तो वो वहाँ से जॉइंट होता है और इसी की वजह से ये हम मूव कर सकते हैं अपने एंकल को भी और अपने रिस्ट को भी। अगेन दीज जॉइंट्स अलाउ साइड टू साइड एज वेल एज बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। और इसी जॉइंट की वजह से हम साइड बाई साइड यानी इस तरीके से और बैकवर्ड और आगे पीछे, बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट भी दे सकते हैं। द वर्टिब्रे ऑल्सो हैव सिमिलर जॉइंट्स। हमारे जो वर्टिब्रे होते हैं उनमें भी इसी तरीके के जॉइंट्स होते हैं, और इसी वजह से हम साइड, जैसे डांस करते हैं साइड हो रही हैं, कमर मटकाते हैं ना, और आगे पीछे भी होते हैं। डांस में तो बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, तो डांस तो हम करते ही हैं, तो उसमें भी हमें काफ़ी चीज़ें पता चल सकती हैं कि कौन कौन से मूवमेंट कैसे कितना कर पा रही हैं हम।
सच जॉइंट्स आर कॉल्ड ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ऐसे ही मोमेंट्स को ग्लाइडिंग जॉइंट्स बोला जाता है, ऐसे ही जॉइंट्स को। व्हाट मेक्स द बोन्स मूव। अब ये सब तो हो रहा है, लेकिन ये बोन्स में जो मूवमेंट हो रही है वो किस वजह से हो रही है। बोन्स कैन नॉट मूव बाय देमसेल्व्स। बोन्स अपने आप मूव नहीं कर सकती। इट इज़ योर मसल्स। ये मसल्स के थ्रू होती है। जो बोन्स होती हैं वो मसल्स से अटैच रहती हैं पूरी तरीके से, एक तरह से उनसे जुड़ी रहती है या चिपकी रहती है, कुछ भी बोल सकते हैं। अटैच्ड टू द बोन्स दैट मेक देम सेल्फ मूव एट द जॉइंट। और इन्हीं मसल्स की वजह से हमारी बोन्स में मूवमेंट होता है और जॉइंट्स की वजह से भी मूवमेंट होता है। मसल्स आर लाइक इलास्टिक बैंड। इलास्टिक बैंड की तरह होती हैं, यानी मतलब कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं और एक्सपेंड भी हो सकती हैं। यानी अब इसके लिए भी मैं इलास्टिक बैंड या रबर बैंड, जैसे हम उसे खींच भी सकते हैं तो एक्सपेंड हो गई, और उसे छोड़ देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई यानी सिकुड़ गई। तो वो इसी तरीके से होती हैं, और इन्हीं को हम टेंडन्स बोलते हैं। दे आर अटैच्ड टू द बोन्स। ये जो इलास्टिक बैंड होता है इन्हीं को टेंडन्स बोला गया है। अटैच टू द बोन्स बाय मीन्स ऑफ टफ कनेक्टिंग बैंड्स, जिसे कि टेंडन्स बोला गया है। बच्चों ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये जो टर्म्स सारी आ रही हैं इनके बारे में। द मसल्स मूव द बोन्स बाय देयर पुल। अब ये मसल्स की वजह से जो बोन्स में मूवमेंट हो रही है वो उनकी खिंचाव की वजह से हो रही है। मसल्स में खिंचाव हो रहा है तो बोन्स में भी मूवमेंट हो रही है। मसल्स कैन नॉट पुश। मसल्स खींची नहीं जा सकती। देयरफॉर टू मूव द बोन्स इन वन डायरेक्शन। इसी वजह से जो बोन्स का मूवमेंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। एटलीस्ट टू सेट्स ऑफ मसल्स आर रिक्वायर्ड। इसके लिए दो सेट मसल्स के बहुत ज़रूरी होते हैं, जिसकी वजह से ये बोन्स में मूवमेंट हो पाए। फॉर एग्जाम्पल, द अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ योर आर्म आर कंट्रोल्ड बाय टू मसल्स, बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। जैसे कि अब इसी में आगे हम बता रहे हैं कि दो सेट ऑफ मसल्स की मूवमेंट चाहिए, वो रिक्वायर है मूवमेंट के लिए। जैसे कि अप और डाउन मूवमेंट आर्म्स में कर रहे हैं, तो ये दो मसल्स कौन से, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की वजह से कंट्रोल में हैं, और उन्हीं की वजह से हाथ में मूवमेंट हो रहा है जो अप एंड डाउन हम करते हैं। व्हेन यू वांट टू रेज योर आर्म्स, जब आप अपनी हाथों को ऊपर उठाते हैं, जैसे पिक्चर में दे रखा है, आपने अपने हाथ को ऊपर उठाया तो यहाँ पर बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए और ट्राइसेप्स जो होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। ये दो सेट हो गए मसल्स के, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया यानी ये सिकुड़ गया। सिकुड़ गया तो ये ऊपर थोड़ा सा उठ जाता है। जैसे कि मसल्स जो जिम जाते हैं लोग, वो उनकी मसल्स होती हैं, वो अपने बाइसेप्स दिखाते हैं तो उनकी फुली फुली सी मसल्स हो जाती है, तो वो इस तरीके से हो जाती है क्योंकि वो बाइसेप्स उनके मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गए या सिकुड़ गए हैं और ट्राइसेप्स फैल गए हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर खिंचाव आ जाता है। When you want to raise your arms, अब इसी में लेते हैं हम फिर से, the biceps in front contract, that is they become shorter, जिसकी वजह से वो छोटे हो जाते हैं। biceps में अगर contract हुआ तो वो छोटे हो गए और triceps बड़े हो जाते हैं, तो इसी में है they become shorter and fatter। फैटर से मतलब वही मोटी मोटी जो मैंने आपको बताया था, फूले हुए मोटा होता है। टू पुल अप द आर्म्स, द लोअर द आर्म द ट्राइसेप्स एट द बैक कॉन्ट्रैक्ट एंड पुल इट डाउन। और जब आप हाथ को सीधा करते हैं तो इसमें पूरी तरीके से उल्टा हो जाता है, बाइसेप्स रिलैक्स हो जाती हैं और ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी वो सिकुड़ जाती हैं या छोटी हो जाती हैं और ये फैल जाती हैं। नेक्स्ट है इसी में, व्हेन यू रन योर लेग्स अल्टरनेटिवली बेंड। जब आप भागते हैं तो बहुत तेजी से जब भागेंगे, स्पीड से भागेंगे, तो पैरों की पोजीशन इस तरीके से होती है, एक फैल जाता है और एक इस पोजीशन में आ जाता है। द योर लेग अल्टरनेटिवली बेंड, तो बेंड क्या हो गया, ये चीज हो गई।
एंड स्ट्रेटन एट द नीज, और दूसरा नीज से वो स्ट्रेट हो गया, ये एंकल होता है, ये एंकल हो गया तो यहाँ से वो स्ट्रेट हो गया। योर थाई एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स बेंड एंड स्ट्रेंथन योर नी जॉइंट, और जो आपकी थाई मसल्स हैं, थाई मसल्स होती हैं वो बेंड हो जाती है और नी जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देती हैं। योर काफ, काफ बच्चों बोलते हैं जो ये चीज़ होती है, इन्हें काफ्स बोलते हैं। तो काफ एंड शिन मसल्स, ये सब नाम है मसल्स के, काफ एंड शिन मसल्स, सब पिक्चर्स के थ्रू आपको सब समझ आता चला जाएगा। बैंड एंड स्ट्रेथन योर एंकल जॉइंट्स, अब इसमें क्या हुआ, काफ्स और शिन मसल्स बैंड हो गई और एंकल जॉइंट्स स्ट्रेंथ हो गई, ये चीज जैसे हो गई ये चीज। ठीक है बच्चों, अब क्लियर हो गया, यहाँ पर वही चीज है, दो सेट मसल्स के मिले हैं यहाँ पर ये चीज। ठीक है, तो इसी की वजह से मूवमेंट हो रहा है यहाँ पर बच्चों हमारा। मूवमेंट ह्यूमन बीइंग्स का जो मूवमेंट था वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब एनिमल्स के मूवमेंट पर आते हैं, क्योंकि एनिमल्स भी हमारे चारों तरफ बहुत तरीके के होते हैं और सब एनिमल्स की मूवमेंट बिल्कुल अलग अलग तरीके की होती है। ह्यूमन बीइंग्स में तो सबकी सेम ही होती है, लेकिन एनिमल्स में सबकी अलग अलग होती है। अब हम उसके बारे में देखते हैं। मूवमेंट इन अदर एनिमल्स, अब एनिमल्स में जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें कैसे मूवमेंट हो रही है। एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन, एनिमल्स में अलग तरीके के स्केलेटन्स होते हैं। द स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स के जो स्केलेटन होते हैं उनमें बोन्स नहीं होती। हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो बोन्स से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है उसी को हम स्केलेटन बोलते हैं, लेकिन कुछ केसेस में अलग होता है, कुछ एनिमल्स में बोन्स नहीं होते लेकिन फिर भी उनमें स्केलेटन होता है। अब उसी के बारे में भी आगे हम पढ़ेंगे। देयरफॉर द वेज इन विच दे मूव आर ऑल्सो डिफरेंट, इसी वजह से जब उनके बॉडी के अंदर बोन्स ही नहीं है तो उनका जो मूवमेंट होगा बॉडी का वो भी अलग तरीके का ही होगा। इसमें फर्स्ट आ रहा है अर्थवर्म, बच्चों अर्थवर्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है, ये आपको आगे सीनियर क्लासेस में भी सीखने के लिए मिलेगा, और इसका डायग्राम हर चीज़ इसकी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अर्थवर्म्स हैव लिक्विड स्केलेटन, अर्थवर्म्स में लिक्विड स्केलेटन होता है। दे हैव लिक्विड ट्रैप्ड इन स्पेसेस इनसाइड द बॉडी, उनके अंदर लिक्विड ट्रैप्ड स्पेस होता है उनकी बॉडी के अंदर। द मसल्स स्क्वीज्ड, जो मसल्स होती हैं वो लिक्विड से स्क्वीज होती हैं, जैसे इस तरीके का है, आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा जो इनकी मसल्स हैं वो किस तरीके की बनी हुई हैं। दिस कीप्स द बॉडी फर्म, और जो ये लिक्विड आ रहा है स्क्वीज हो रहा है, स्क्वीज मतलब निचोड़ना या कह सकते हैं रिलीज होना, बाहर निकलना, जो इसी की वजह से इनकी बॉडी पूरी तरीके से फर्म रहती है, यानी बहुत मजबूती से टिकी रहती है फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर। मसल्स इन अ वर्म्स बॉडी कैन बी स्क्वीज्ड डिफरेंटली टू चेंज द बॉडी शेप, बच्चे इसका मतलब यह आ रहा है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्म्स होते हैं, वो कई तरीके के होते हैं और उनकी बॉडी की शेप भी अलग अलग तरीके की होती है। तो जैसे उनकी बॉडी की शेप होती है उसी तरीके की उनकी मसल्स भी रहती हैं। दीज चेंजेस इन द शेप, ये जो शेप में चेंजेस हैं, हेल्प द वर्म टू मूव अलोंग, और इन्हीं की वजह से वर्म आगे मूव कर सकता है, या उसकी बॉडी का जो भी मूवमेंट हो रहा है वो इन्हीं की वजह से, शेप की वजह से है। टू मूव द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी, बच्चों अगर कभी आप लोगों ने अर्थवर्म को नहीं देखा है तो कहीं पर भी अगर आपको दिखाई दे तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चों के घर में लॉन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्क्स होते हैं,
उनमें रेनी वेदर में ज़रूर निकलते हैं। कई बार आजकल तो कंपोजिट जो फर्टाइल सॉइल भी आ रही है मार्केट में, उनके अंदर भी अर्थवर्म्स डालकर दिए जाते हैं, तो उसमें जो उनकी मूवमेंट होती है वो इस तरीके से ऐसे सरकते हैं, पहले आगे का पार्ट वो मूव करते हैं, उसके बाद अपने पीछे का पार्ट मूव करते हैं, जैसे यहाँ पर है। इसकी ही वजह से वो अपना आगे का पार्ट मूव करते हैं, जब वो आगे मूव हो जाते हैं तो फिर वो पीछे का उठाकर फिर पीछे का मूव करते हैं। यही यहाँ पर बोल रहा है, टू मूव द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड, सबसे पहले वो फ्रंट पार्ट अपनी बॉडी का मूव करते हैं, कीप्स द रियर पार्ट फिक्स्ड। अब रियर पार्ट ये चीज़ हो गई है, उसको फिक्स करके रखते हैं ग्राउंड पर। नेक्स्ट, उसके बाद इट फिक्स द फ्रंट पार्ट एंड द शॉर्टेंस इट। इसके बाद वो फ्रंट पार्ट को जब मूव कर लेते हैं तो फ्रंट पार्ट को ग्राउंड पर फिक्स कर लेते हैं और उसे छोटा कर लेते हैं, दस पुलिंग द रियर एंड फॉरवर्ड। और इसके बाद वो अपने पीछे का पार्ट आगे की तरफ बढ़ाते हैं, वो एक साथ नहीं उनका चलता। इट कैरीज आउट सच एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स रिपीटेडली टू मूव फॉरवर्ड। और यही जो एक्सपेंशन यानी जो उनकी मसल्स फैल रही हैं और सिकुड़ रही हैं, सिकुड़ना कैसे हो गया, कॉन्ट्रेक्शन कैसे हो गया, उन्होंने छोटी कर ली। अर्थवर्म ने अपना आगे का पार्ट जब फिक्स किया तो उसे छोटा कर लिया, सिकुड़ लिया। तो यही जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है मसल्स में, वो जब भी फॉरवर्ड मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, ये बार बार रिपीट होता है। अब इसी में स्नेल और कॉकरोच के बारे में आ रहा है, जिसे हिंदी में घेंगा बोलते हैं, आपके पिक्चर में भी दे रखा है। ये स्नेल होता है और ये कॉकरोच तो हमें पता ही है, स्नेल भी काफ़ी बच्चों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता वो इस तरीके का पिक्चर में देख कर जान सकते हैं। अब स्नेल के बारे में है, हैव यू सीन द शेल ऑफ अ स्नेल। ये जो शेल कहा जाता है, ये जो होता है इसे शेल बोला जाता है। क्या आपने कभी स्नेल का शेल देखा है? इट इज लाइक अ हाउस इट कैरीज अलोंग विद इट। ये इनका हाउस होता है जो ये अपने साथ लेकर चलते हैं। इट इज अ स्केलेटन विच इज आउटसाइड द बॉडी। ये जो इनका स्केलेटन होता है ये बॉडी के बाहर होता है, बट इज नॉट मेड अप ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन्स का बना हुआ नहीं होता। सच ए स्केलेटन इज नोन एज एक्सोस्केलेटन। इस तरीके के स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। एक्सोस्केलेटन वन वर्ड में मैं आपको बता देती हूँ बच्चों फिर से, जो बाहर होता है, बॉडी के बाहर होता है स्केलेटन, उसे एक्सोस्केलेटन बोला जाता है। क्रैब्स एंड इंसेक्ट्स, क्रैब्स यानी केकड़ा और इंसेक्ट्स सच एज कॉकरोचेस, कॉकरोचेस में भी एक्सोस्केलेटन ही होता है, बाहर की तरफ उनका स्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन गिव सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। ये एक्सोस्केलेटन जो होता है ये सपोर्ट देता है, प्रोटेक्शन देता है उनको, एंड ऑल्सो अलाउ मूवमेंट एट द जॉइंट्स, और जॉइंट्स पर उनकी मूवमेंट की वजह से वो आगे बढ़ पाते हैं। दिस स्नेल हैज अ थिक स्ट्रक्चर। स्नेल का बहुत थिक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि फुट बोला जाता है। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मसल्स का बना हुआ होता है। इट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ वेव लाइन मूवमेंट दैट पुश द स्नेल्स बॉडी फॉरवर्ड। इसमें जैसे लाइनें बनी हुई होती हैं उस तरीके का मूवमेंट होता है, पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। मूवमेंट जो होता है वो वेव लाइक मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को आगे की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ धकेल सकते हैं, यानी आगे बढ़ सकते हैं। कॉकरोचेस तो फ्लाई भी करते हैं, पता है ना आपको, कॉकरोचेस कैन वॉक, वॉक तो हमें पता ही है, क्लाइंब, दीवारों पर भी चढ़ जाते हैं, और कभी कभी तो वो फ्लाई भी करने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप लोगों को भी लगता है डर? दे हैव थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन होती है, अक्सर वन वर्ड में पूछा जाता है। कॉकरोचेस के तीन पैर पैर होते हैं, द लेग मसल्स मूव द लेग्स। लेग मसल्स लेग्स को वॉकिंग के लिए और क्लाइंबिंग के लिए हेल्प करती हैं। देयर आर टू पेयर्स ऑफ विंग्स,
दो पैर विंग्स के होते हैं जो कि उनकी ब्रेस्ट से अटैच रहते हैं यहाँ पर होते हैं, और ये इनकी यहाँ पर से पूरा अटैच रहते हैं। दीज आर द ब्रेस्ट मसल मूव द विंग्स फॉर फ्लाइंग। अब इन्हीं की ब्रेस्ट मसल की ही वजह से वो फ्लाई करने में यानी उड़ने में उनको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट बच्चों फिश का देखते हैं। द स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इनसाइड द बॉडी। हमें पता है हमारा तो स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर ही है। सच ए स्केलेटन इज नोन एज एंडोस्केलेटन। इस तरीके का जो बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है उसे एंडोस्केलेटन बोला जाता है। फिश एम्फीबियंस रेप्टाइल्स बर्ड्स एंड मैमल्स हैव एंडोस्केलेटन। इन सब में एंडोस्केलेटन होता है। फिश तो बच्चों हमें पता ही है। एम्फीबियंस ज़्यादातर वो वाले एनिमल्स होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों जगह रहते हैं। रेप्टाइल्स जो रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गई। बर्ड्स और मैमल्स होते हैं बच्चों जो बेबी को बॉर्न करते हैं, वो एग नहीं देते। वो सब में एंडोस्केलेटन होता है, बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है। दे ऑल हैव बैकबोन्स। उन सबके बैकबोन्स होती हैं एंड आर नोन एज वर्टिब्रेट्स, और जिन्हें की वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। मसल्स दैट एनेबल द फिश। वो मसल्स जो फिश को आगे की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं टू मूव आर फाउंड ऑन अदर साइड ऑफ द बैकबोन। दीज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ऑन वन साइड एंड एक्सपेंड ऑन द अदर साइड। फिश कैसे हो चलती है, फिश का भी देखा है ना, इस तरीके से चलती है पानी के अंदर। तो उससे क्या होता है, एक साइड तो उनकी एक्सपेंड हो रही है मसल्स की और दूसरी साइड वो वाली कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, और इसी की वजह से वो आगे मूव कर पा रही हैं पानी में। दिस मूव्स द बॉडी फ्रॉम साइड टू साइड। और साइड टू साइड वही चीज़ हो गई जो मैंने अभी आपको बताया, इसी की वजह से वो साइड टू साइड मूव कर पा रही हैं या zigzag पैटर्न में मूव कर पा रही हैं। एज द टेल फिन, जो उनकी टेल फिन होती है, इसे ये जो टेल फिन हो रही है ये बोला है टेल फिन ऑफ अ फिश मूव्स अलॉन्ग विद द बॉडी इन अ zigzag पैटर्न। ये टेल फिन ही हेल्प करती है बच्चों zigzag पैटर्न में बॉडी को मूव करने में। इट पुशेस अगेंस्ट द वाटर, और जिसकी वजह से वो बहुत तेज पानी के बहाव में भी आगे निकलती चली जाती हैं। दिस फोर्स मूव्स द फिशेस बॉडी फॉरवर्ड, और यही फोर्स फिश की बॉडी को आगे ले जाता है तेज पानी में भी। टू हेल्प मूवमेंट इन वाटर फिशेस हैव अ स्ट्रीम्ड लाइन शेप। स्ट्रीम्ड लाइन शेप क्या होती है, स्ट्रीम्ड लाइन शेप होती है जो आगे से और पीछे से छोटी होती है और बीच में से चौड़ी होती है, बड़ी होती है। और जैसे एरोप्लेन है, बोट है, वो भी इसी वजह से स्ट्रीम्ड लाइन हो, क्योंकि वो पानी में और हवा में, तेज़ हवा में एरोप्लेन आगे निकलता चला जाता है चीरता हुआ हवा को, और ऐसे ही तेज़ पानी में बोट भी आगे निकलती है पानी को चीरती हुई। तो यही फिश का काम है, तो उनकी बॉडी भी इसी तरीके से रहती है। ब्रॉड इन द मिडल, मिडल में से ब्रॉड, जैसे मैंने अभी आपको बताया मिडल में से ब्रॉड एंड नैरो एट द एंड। दिस रिड्यूसेस द वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेजिस्टेंस वही हो गया पानी का तेज बहाव, एंड एनेबल्स द फिश टू ग्लाइड अलोंग इन द वाटर, और इसमें आगे की तरफ मूव करने के लिए हेल्प मिलती है। एरोप्लेन्स बोट्स एंड शिप्स ये भी इस फिश की ही शेप के होते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप के होते हैं। स्नेक्स, ओ माय गॉड, अ स्नेक इज अ वर्टिब्रेट। जो स्नेक होता है वो वर्टिब्रेट होता है। इट हैज़ अ लॉन्ग बैकबोन, इनकी एक बहुत लंबी बैकबोन होती है जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बैकबोन तो हार्ड होती है लेकिन इनकी फ्लेक्सिबल होती है। द स्नेक कैन कर्व इनटू इट्स बॉडी इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक होता है वो अपनी बॉडी को कई लूप्स में ऐसे गोल 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 गोल, पिक्चर्स में कभी आपने देखा होगा ना मूवीज में या पिक्चर्स में, वो गोल गोल बैठ जाते हैं इस तरीके से, राउंड 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 राउंड, और अपना इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो कई लूप्स में वो बना लेते हैं अपनी बॉडी को। ईच लूप पुशेज अगेंस्ट द ग्राउंड, या फिर जो ये पिक्चर में दिखा रखा है ये भी लूप में ही है, ये इस तरीके से कई लूप्स में अपनी बॉडी को बना लेते हैं। और वो
जो पुश करते हैं, हर लूप जो होता है वो आगे की तरफ पुश करते हैं ग्राउंड से, और टू गिव अ फॉरवर्ड पुश टू द बॉडी, देयर फोर वेन मूविंग फॉरवर्ड, और इसी वजह से जब वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इट्स बॉडी मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड, और इसी वजह से उनकी भी साइड 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 ऐसे बॉडी मूव होती है, वेव लाइक मोशन. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, बर्ड. बर्ड्स फ्लाई विथ देयर विंग्स. वो तो सभी को पता है, अपनी पंखों से उड़ती हैं. विच आर मॉडिफाइड फोर लिम्स. दे यूज देयर लेग्स एंड हिंड लिम्स टू वॉक. वो अपनी लेग्स और हिंड लिम्स, यानी जो हाथ जो उनके पंजे इस टाइप के बने हुए होते हैं, उनको बोला गया है, और उन्हीं की वजह से वो वॉक भी कर सकते हैं. रन और होप, यानी होप मतलब होता है फुदकना. सम बर्ड्स ऑल्सो स्विम. लेकिन कुछ बर्ड्स तो वाटर में भी स्विम करती हैं, है ना बच्चों, करती हैं ना. कौन कौन से करते हैं, उन सबके मुझे नाम ज़रूर भेजिएगा. द बोन्स ऑफ द बर्ड्स आर हॉलो. बोन्स जो होती हैं बर्ड्स की, बहुत ज़्यादा खोखली होती हैं एंड बहुत हल्की होती है, वेरी लाइट, बहुत हल्की होती है. इसी की वजह से वो हवा में बहुत तेज़ उड़ पाती है, मेकिंग इट ईजी फॉर देम टू राइज इन एयर. अब बच्चों ज़रा इमेजिन करो कि अगर बोन्स उनकी हैवी होती तो वो हवा में कैसे उड़ पाती, वो तो नीचे ही टपक जाती है एकदम से, है ना. तो उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत लाइट होती हैं. स्ट्रॉन्ग मसल्स इन देयर ब्रेस्ट बोन्स हेल्प्स बर्ड्स टू फ्लैप देयर विंग्स. और जो स्ट्रॉन्ग मसल्स होती है, जो कि ब्रेस्ट बोन से जुड़ी हुई होती है, उसी की वजह से बर्ड्स अपनी विंग्स को फ्लैप यानी फड़फड़ाना और फ्लाई करने में उन्हें हेल्प मिलती है. चलिए बच्चों, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है ये वाला. और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है, अच्छा लगा है, सबको समझ आया, तो प्लीज़ लाइक का बटन तो ज़रूर दबाइए. और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, जिससे कि हम जल्दी जल्दी मिल पाएँ. जो भी मैं वीडियो डालूँगी तो वो आपका लिंक आपके पास तक पहुँच जाएगा, उस वीडियो का लिंक. तो जल्दी से सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ग्रुप्स में, ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट चैप्टर के लिए, टिल देन बाय बाय.